ओके तो आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेट होने वाला है चेरापुंजी के ऊपर। इस वीडियो में हम चेरापुंजी के कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रिप की कहानी का शुरुआत पहले ही हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना दिया है। अगर आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो मैंने उसी दिन बना लिया था जिस दिन मैंने पार्ट 2 बनाया था, यानी कि 1 दिन में 2 वीडियो। और आज का ये वीडियो उन दोनों पार्ट से भी ज्यादा दमदार होने वाला है। तो चलो चलते हैं, इस पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पार्ट 2 में कहा था कि अब हमें कुछ भी पता नहीं है, हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, सारा कुछ हमारे ड्राइवर अंकल को पता है। तो फर्स्ट अंकल हमें वाह कावा फॉल्स लेकर आए। और ये जो आप लोग देख रहे हो, ये लोग फाइट नहीं कर रहे, असल में ये लोग यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं, जो कि आप लोग भी करवा सकते हो। कुछ इस तरह का शॉप आप लोग को हर एक व्यू पॉइंट पर मिल जाएगा, तो आप लोग भी ट्रेडिशनल कपड़े में फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। तो अभी हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं पर रुक रहे हैं और मुझे ये सब जगह का नाम बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे जो ड्राइवर अंकल है वही बीच बीच में रोक कर हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पर ये वगैरह वगैरह। तो अभी उन्होंने यहाँ पर रुकने को बोला है बिकॉज यहाँ पर एक वाटरफॉल है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो हमें शायद से नीचे जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, मेरे ठीक अपोजिट साइड में आप लोग देख सकते हो पूरा खाई, गिरने से कोई चांस नहीं है बचने का। इस वाटरफॉल का मैं बात कर रहा था, वो दिखने में कुछ ऐसा है। पूरा पानी का छींटा आ रहा है मेरे फेस पे, नीचे से हवा आ रहा है जिससे पूरा पानी का ड्रॉप्स मेरे फेस पे आ रहा है। कांट एक्सप्लेन दिस टू यू। चलो गाइस सब पानी के अंदर जाते हैं। भाई पानी बहुत ठंडा है, मैं पैर को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पैंट को। यो पानी, ओ भाई पानी इतना ज़्यादा ठंडा, दिखने में बहुत ही आसान लगता है उस पर जाना, उस पत्थर तक जाना, पर इस पानी पे आप लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते, पूरा पैर सून पड़ जाता है। सच में मेरा 10-20 सेकंड में ही हालत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा पानी ठंडा है। इसलिए मैं वापस आ गया, अभी मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा, जल्दी से दौड़ के चला जाऊँगा और जल्दी से वापस आ जाऊँगा। और गाइस यहाँ के पानी का टेस्ट जानते हो कैसा है, जो सलून वाले जो वो रखते हैं ना व्हाइट व्हाइट कलर का दाढ़ी में लगाने वाला फिटकरी शायद उसको बोलते हैं, वैसा ही है। गैस पानी सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था एंड इस वाटरफॉल का क्या ही तारीफ करूँ मैं, जितना भी कर लो कम पड़ेगा। ये जस्ट हमारा फर्स्ट लोकेशन था, अभी आप लोग आगे देखते रहो और हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता, गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगो से है, सूरज की रोशनी से है, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, पढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी। वहाँ से निकलकर हम लोग एक और वाटरफॉल पे गए जिसका नाम था नोकालिकाय फॉल्स एंड ये चेरापुंजी का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। अब क्यों है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके गाइस तो हम लोग एक और वाटरफॉल के सामने आ चुके हैं, पर वो वाटरफॉल बहुत दूर में है, हम लोग उसके पास नहीं जा सकते। यहाँ से आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ, वो तो देख सकते हो आप लोग। अभी तक जितना भी मैंने ये चेरापुंजी आके जितना भी जगह देखा उससे मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे ब्यूटीफुल लगा, सच में मैं बता नहीं सकता मैं कितना सुंदर है ये प्लेस। ओके गाइस तो अभी हम लोग आए हैं जीवा रिजॉर्ट कुछ खाने के लिए,
और ये बहुत पॉपुलर रिजॉर्ट है, हमारे ड्राइवर अंकल ने बोला है। बाकी रिजॉर्ट तो बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ से व्यू देख लो। यहाँ देख सकते हो आप लोग, रिजॉर्ट के आगे में थोड़ा सा पार्क भी बना हुआ है। तो गाइस अब मुझे पता चल रहा है ये रिजॉर्ट इतना पॉपुलर क्यों है। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है ये रिजॉर्ट। तो ऐसा कुछ था जीवा रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट, एंड प्राइस के हिसाब से यहाँ का मैनेजमेंट वगैरह काफी अच्छा लगा हमें, एंड यहाँ का लंच भी बहुत टेस्टी था। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट लोकेशन पर, और ये लोकेशन बहुत ही फेमस है, और इस लोकेशन का नाम है सेवन सिस्टर। यस, सेवन सिस्टर को अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम। सेवन सिस्टर यानी कि सात रिवर, सेवन रिवर्स एक साथ रहता है। और यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे आप लोग सुन, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे होंगे कि नहीं। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए तो नदी सूखा हुआ है, हम लोग गलत टाइम पे आए यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम लोग को अनफॉर्चुनेटली सेवन सिस्टर्स नहीं देखने मिलेंगे। बाकी आप लोग देख लो, कुछ इस तरह का व्यू रहता है जब यहाँ मॉनसून का मौसम होता है। तो यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख सक रहे होगे इसमें कचरा डाला हुआ है। यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे, कचरा जरा सा भी नहीं फैलाते हैं। और जो भी यहाँ थोड़ा बहुत कचरा है वो टूरिस्ट की वजह से। बाय द वे यहाँ एक वाटरफॉल टाइप मुझे दिखा है, देख सकते हो आप लोग। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, पर रुको जरा, सबर करो, वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सेवन सिस्टर देखने के बाद हम लोग और भी कुछ लोकेशन पर गए थे, पर उनका वीडियो मैं यहाँ नहीं डालूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं आप लोग को डायरेक्ट ले चलता हूँ हमारे लास्ट लोकेशन पर, जिसका नाम है मौसमी केव। देख सकते हो पूरा हैंडमेड है, खतरनाक। जिस तरह का मैप होगा इस केव का, यहाँ से एंट्रेंस और यहाँ घूम घूम के वापस यहाँ से एग्जिट। तो ऐसा कुछ है एंट्रेंस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और वहाँ से एग्जिट। तो चलो अंदर चलते। तो वैसे हम लोग एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपीज़ करके ले रहा है। और अगर फ़ोन आप लाते हो तो उसके लिए भी अलग से, फ़ोन के लिए आप लोग को 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, और कैमरा के लिए तो अलग है, उसका पता नहीं मुझे। 4 आदमी 6 आदमी जितना भी आप, पर एक फ़ोन का पैसा लेगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे केव, लेट्स गो। यहाँ लाइट वगैरह लगा हुआ है, कुछ यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। चलो आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, ये केव है कि क्या है? इस साइड शायद नहीं जाने का है। चलो इस साइड, दो रास्ता है यहाँ पर। मुझे तो डर लगने लगा है सच में। और यहाँ से आप लोगों को एक ब्रिज मिल जाएगा। आओ, सर पे लगा मुझे सच में, देख सकते हो आप लोग क्लोज से, पूरा सब पत्थर है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डायनासोर के पेट में आ गया हूँ। गाइस तो कुछ ऐसा ही है ये केव। हम लोग एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऊपर का कुछ व्यू दिखता है, पर मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है, यू नो लाइक पानी जाने का रास्ता है शायद। तो थोड़ा सा जाके देखते हैं। फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं गुफा से, अब सीधा जाते हैं गुवाहाटी। अब और नहीं घूमना, बिकॉज ऑलरेडी इतना रात हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलो, अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगा, वरना यहाँ ही वीडियो को ख़त्म करेंगे। देख सकते हो यहाँ एक और गुफा है। छोड़ो अब क्या, बहुत टाइम हो चुका, इसलिए फटाफट से निकलते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए,
शाम बहुत हो चुका था तो हम लोग थोड़ा सा डर भी रहे थे क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था एंड इससे पहले मैंने नेचर को इतने क्लोज से कभी नहीं देखा। चेरापुंजी में रहते हुए मुझे एक ही बात दिमाग में आ रहा था कि नेचर सबके लिए इक्वल है। वहाँ बहुत सारे टाइप के लोग थे पर नेचर सबके लिए इक्वल था। तो व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं एक लास्ट रिमाइंडर वीडियो के साथ। मैं यहाँ बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है और यहाँ का ब्यूटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, पर यहाँ रह के जो मुझे फील हो रहा है वो एकदम ही अलग लेवल का है सच में।